पाकिस्तान वापडा के इफ्तताही बल्लेबाज रिफतुल्ला ने गुज़श्ता साल अमर सज्जाद के हमरा 580 रन बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया, जिसमें रिफतुल्ला के नाकाबले तस्खीर 302 रन शामिल थे। रिफतुल्ला अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। जब उन्होंने कजाफी स्टेडियम लाहौर में पीसीबी वनडे टूर्नामेंट में एक बार फिर नाकाबले तस्खीर रहते हुए 108 रन बनाकर पाकिस्तान वापडा को ZTBL के खिलाफ फतह दिलवाई। रिफतुल्ला पाकिस्तान की बेहतरीन क्रिकेट में सिलेक्टर्स की गैर हाजिरी और अदम दिलचस्पी पर खासे नाला नजर आए। हम तो इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि हम आगे जाएं, आगे खेलें, अगर कुछ हम में है तो हम मुल्क के लिए खेल सकें। अब अगर सेलेक्टर नहीं आएंगे और तो हमारे इस भाग दौड़ का फायदा क्या है? मतलब हम सारा सारा दिन ग्राउंड में जो कर रहे हैं इसका फिर क्या फायदा है? और या तो फिर जो है क्रिकेट छोड़ के कोई और काम शुरू कर दें, नहीं तो हमारी ये परफॉर्मेंस जाया है। वैसे रिफतुल्ला के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती जब तक फर्स्ट क्लास और बैन अल-अक़वामी क्रिकेट में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मुआवजों में जमीन आसमान का फर्क खत्म नहीं किया जाता। हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में कितना बड़ा गैप है फाइनेंशियली भी और जो है दूसरी जो है फैसिलिटीज वाइज भी, तो अगर हमको इनका फायदा नहीं मिलेगा, जैसे हमारे सारे मेन प्लेयर इस वक्त कोई काउंटी में खेल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, क्यों खेल रहा है? इसलिए कि कोई बांग्लादेश में कितने प्लेयर हमारे खेल रहे हैं, वजह ये है कि यहाँ पे हमें जो इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हम सारे आगे फिर आगे पीछे देखना पड़ेगा कि कहाँ से हमें कोई चांस मिले कि हम आगे जाएं। नहीं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो हमारा इतना बड़ा गैप है कि वो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, अपने फैमिली को सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी लाने के लिए खिलाड़ियों के मुआवजे और मेरिट पॉलिसी बेहतर न बनाई गई तो खदशा है कि दीगर खेलों की तरह क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की दिलचस्पी दिन ब दिन घटती चली जाएगी। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब मताबी, न्यूज़ 1 लाहौर।